गाइस आज हम लोग ओपन टाइप वायरिंग करेंगे। 8 मॉडल बॉक्स लगाना है और 3 लाइट है, एक सॉकेट है। तो देखिए हम लोग आज कैसा वायरिंग करते हैं। तो देखिए हम लोग अभी ये वायर लाइट इंडक्शन बॉक्स है वहाँ पे हम खींच रहे हैं एक लाइट पॉइंट का। सर्किट मेरा हो चुका है, इधर सर्किट भी आ गया है, सिर्फ एक लाइट पॉइंट खींचना है और एक को ये दीवार जो दिख रहा है इसके पीछे एक वायर डालना है। इधर भी एक बालकेट आएगा। तो बाकी का हम लोग का सर्किट भी आ गया है और 220 बाइक साइड का वो भी आ गया है। और ये इसके पीछे वो जो वाल दिख रहा है इसके पीछे भी एक हम लोग सर स्विच पीस डालना है, तो वो भी हम लोग अभी डाल दिए हैं। उसके बाद में डालने के बाद में ये बॉक्स है 8 मॉडल का, PVC बॉक्स है, ओपन टाइप है। तो इसके अंदर आप सभी वायर ले लीजिएगा। ले लेने के बाद उसमें एक को स्ट्रेट करके क्लैंप मार दीजिएगा, एक या दो भी जितना भी क्लैंप है क्लैंप मार दीजिएगा। तो देखिए सभी वायर मैं अभी धीरे धीरे अंदर ले रहा हूँ एक एक करके। आप भी ऐसे ही हैं ले लीजिएगा। मेरा भी चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अच्छा लगा हमारा वीडियो तो, ताकि हमें मालूम पड़े कि आप लोगों का मेरा वीडियो पसंद है। तो ये पूरा बॉक्स में वायर हमारा आ गया है और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग एक क्लैंप मारेंगे स्टेट रहने का। तो एक सी क्लैंप है 19 mm का है सी क्लैंप, तो क्लैंप भी हो गया है। उसके बाद में हम लोग अभी स्विच बोर्ड लगाएंगे। तो ये 2 स्विच पीस है, 2 एक LED बल्ब का है, एक ट्यूबलाइट का है। और ये वाला है जो रेड और ब्लैक टेप मारा हुआ है, ये बालकेट का लाइट का है, एक अंदर का है, एक बाहर का है। उसके बाद में इसको हम लोग अभी कनेक्शन करेंगे। तो देखिए कनेक्शन कैसे हम लोग करेंगे। तो ये 4 स्विच है और एक सॉकेट है, तो 4 स्विच और एक सॉकेट है, तो इसमें 3 स्विच हो गया हमारा लाइट का। तो ये हम लोग फर्स्ट लाइट एक लाइट का है, LED बल्ब का है। तो थ्रेडिंग ओपन कर दिया हूँ, उसके बाद में ये एक डाल दिया हूँ। ये दूसरा भी एक ट्यूबलाइट का है, इसको भी वैसा ही सेम आप जैसे फर्स्ट वाला किया उसे थ्रेडिंग ओपन करके इसको अच्छा से टाइट कर दीजिएगा। और ये सेकेंड वाला है, ये आपका बाहर का बालकेट लाइट का है, तो इसको भी हम लोग थ्रेडिंग ओपन कर दिया हूँ। इसको भी थोड़ा अच्छा से डाल के अंदर में और अच्छा से टाइट कर दीजिएगा ताकि लूज ना रहे। और उसके बाद में ये है आपका सर्किट, जो सर्किट है आपका 1.5 का है, 1.5 का है। और ये पुराना भी है थोड़ा, इसमें स्किन करने में थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और ये दोनों ब्लैक जो दिख रहा है आपका, एक मेन न्यूट्रल है, एक बाहर का लाइट का न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को हम लोग अभी स्किन कर दिए हैं और करने के बाद दोनों को एक साथ में लेकर एक सॉकेट में डाल देंगे। जो सॉकेट रहेगा आपका लेफ्ट साइड में जो रहेगा थ्रेडिंग उसमें डालना है, राइट साइड में आप नहीं डालिएगा। राइट साइड में कभी भी फेस ही आता है, न्यूट्रल नहीं आता। तो ये न्यूट्रल हम लोग दोनों न्यूट्रल डाल दिया हूँ लेफ्ट साइड में। उसके बाद में डालने के बाद में ये आपका एक ये मेरा फेस है, जो फेस स्किन का स्किन थोड़ा जल्दी नहीं हो रहा है। तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उसको करेंगे कि ये वायर को कवर को पकड़ कर हम लोग उसको छिलेंगे। तो एक टाइम हम लोग उसको मेजरमेंट कर लिए हैं, जैसे हम लोग कर लिए वैसे ही भी आप कर लीजिएगा मेजरमेंट। उसके बाद में मेजरमेंट करके वहाँ तक आप पकड़ के चाँप के थोड़ा प्लास से उसके बाद स्किन कीजिएगा। नया लगा रहता तो पूरा एक ही टाइम में स्किन हो जाता, लेकिन ये थोड़ा पुराना है, थोड़ा उसका कवर टाइट हो गया है ठंड से, इसके लिए वो पूरा स्किन नहीं हो रहा है। तो इसको हम लोग दूसरा तरीका से स्किन करेंगे। उसको जो कवर होता है उसको कवर को पकड़ के हम लोग खींचेंगे, तब जाके वो स्किन होगा, नहीं तो ऐसे जल्दी स्किन नहीं होगा। जैसे देख रहे हैं हम लोग कवर पकड़ लिया हूँ, कवर पकड़ के खींच रहा हूँ। तो ये ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा पुराना वायर है, मजबूरी है, तो इसके लिए ऐसा हम लोग कर रहे हैं।
तो आपके साथ में ऐसा आएगा प्रॉब्लम तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा पूरा निकल गया है, और उसके बाद में पूरा वायर को थोड़ा पूरा स्ट्रेट करके टाइट कर लीजिएगा। और चार थ्रेडिंग है, तीन लाइट का है, एक सॉकेट का लाइट का है, तो चार है, चार स्विच भी है, चार थ्रेडिंग में है, तो चार में भी डाल दीजिएगा। डालने के बाद में अच्छा से नम फुल टाइट कीजिएगा चार को भी, जैसे कि हम लोग अभी टाइट कर रहे हैं, दो कर दिया हूँ, ये तीसरा है, सेम टू सेम वैसे ही चार को भी फुल टाइट कर दीजिएगा। टाइट करने के बाद में अब मेरा एक बचेगा सॉकेट का कंट्रोल, जो सॉकेट के फेस के लिए है, तो ये वायर हम लोग डाल दिया हूँ स्विच में। उसके बाद में ये थ्रेडिंग ओपन कर रहा हूँ, ये सॉकेट का, इसमें हम लोग वायर, ये वो वाला वायर जो बचा है वो इसमें हम लोग डाल देंगे। तो ये आपका लाइट का फेस जो है, ये सॉकेट का फेस आ जाएगा, न्यूट्रल तो इधर डाला हुआ है, इसमें अर्थिंग नहीं है, ये थोड़ा पुराना है तो इसमें अर्थिंग नहीं दिया हुआ था, तो इसमें हम लोग भी अर्थिंग नहीं दिए हैं। तो ये थ्रेडिंग का भी उसी आपको फुल टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद मेरा ये बोर्ड मेरा हो गया है कम्प्लीट। उसके बाद में चार स्क्रू है, इसमें चार स्क्रू भी डालना है, ताकि ये स्क्रू जो है अलग से नहीं मिलता है, इसका बॉक्स के साथ में ही आता है, उसको आप थोड़ा अच्छा से सेफ्टी रखिएगा, ताकि भूल घूमे नहीं, घुमाएं घुमा देने दीजिएगा। तो ये मेरा हो गया पूरा कंप्लीट, और ये हम लोग इसमें करंट भी चालू कर दिए थे, ये देखिए एलईडी बल्ब जल रहा है, और लास्ट में ट्यूबलाइट भी जल रहा है। ओके।